प्यारे बच्चों, आज हम लोग नैतिक शिक्षा में पाठ 3 जीवन के आधार पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग पहले पाठ में आकाश में देखे थे, दिन में आकाश में हमें क्या क्या दिखाई पड़ती है और फिर रात में हमें आकाश में क्या क्या दिखाई पड़ती है। पाठ 2 में हम ये देखे कि वातावरण में हम क्या क्या देखते हैं। वातावरण के अंतर्गत पहाड़, नदी, फूल पौधे, पशु, खेत खलिहान आते हैं। अब तीसरा पाठ में हम देखेंगे जीवन के आधार क्या क्या हैं। तो बच्चों, आप खुद भी समझते होंगे कि जीवन के आधार 3 चीज़ है, खाना, कपड़ा और मकान। आप चित्र में देख रहे होंगे ये लोग खाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। ये पहले नदी के किनारे बसे हुए थे, वहाँ खेती आराम से की जा सकती है। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने कपड़ा बनाना सीखा, उसके बाद कपड़ा बनाने लगे, उसके बाद उन्होंने मकान बनाना सीखा और मकान बनाने लगे। खाना आदमी को ऊर्जा देता है, हम लोग विटामिन खाने में लेते हैं और मिनरल्स या खाद्य पदार्थ, ये हमें मजबूत बनाता है और हमें आगे काम करने के लिए ऊर्जा देता है। सूखे मेवे भी हम खाते हैं, उससे भी हमें बहुत प्रोटीन मिलता है। विटामिन की कमी से होने वाले ढेरों रोग को प्रतिरोधक क्षमता रोकती है। अब हम लोग कपड़ा को देखते हैं। गर्मी में सूती कपड़ा पहनना चाहिए, जाड़े के मौसम में गर्म कपड़ा पहनना चाहिए और बरसात के मौसम में प्लास्टिक का कपड़ा पहनना चाहिए, यह हमें पानी से बचाता है। सूती कपड़ा पतला और आरामदायक होता है, उसे हवा आर पार जा सकती है, इसलिए सूती कपड़ा से गर्मी में हमें अधिक गर्म नहीं लगेगा, इसलिए हम सूती कपड़ा पहनते हैं। जाड़े के मौसम में हम ऊनी कपड़ा इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमें अधिक ठंडा नहीं लगेगा, ऊनी कपड़ा हमें ठंड से बचाएगा। और प्लास्टिक का कपड़ा रेनी सीजन में या बरसात के मौसम में हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि वे हमें पानी से बचाता है। तो हम लोग खाना और कपड़ा देख लिए, अब हम लोग मकान देखेंगे। ये लोग जो चीज़ से, ये आदि मानव लोग हैं, जो चीज़ से इनको आसान लगता था वो चीज़ से ये अपना मकान बनाते थे। ये मिट्टी से दीवार बना देते थे और फूस से उसका रूफ तैयार कर देते थे और इसी में रहते थे। तो यहाँ एक प्रश्न है, खाना, कपड़ा और मकान, ये सब हमें कौन देता है? तो खाना, कपड़ा और मकान, ये सब हमें ओम देता है। हम लोग ओम की पूजा करते हैं और ओम से ही सब कुछ मिलता है। इस पाठ में हम लोग ये समझ गए कि ओम हमें क्या क्या देता है और सिलेबस में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और वही हमारा होमवर्क रहेगा और हम उसको लिख करके याद करके भेजेंगे। अब हम देखते हैं इसमें हमें प्रश्न कैसे आता है। हमारे जीवन का आधार क्या है? उत्तर, हमारे जीवन का आधार खाना, कपड़ा और मकान है। उसके बाद हम लोग इस तीनों पाठ का खाली जगहों का भरो का रिवीजन करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के सहायता से खाली जगहों को भरें।
ओम चांद तारे खाना मुर्गा क जीवन का आधार डैश कपड़ा और मकान है। यह सब हमें डैश देता है। सुबह बांग देकर हमें डैश जगाता है। आकाश में रात को डैश और डैश दिखाई देता है। इसमें चित्र में भी कुछ ऐसा आ सकता है कि ओम का चित्र बनाकर उसमें रंग भरे। परीक्षा में यह भी आ सकता है कि ओम का चित्र बनाकर इसमें रंग भरे। तो ये आपके पास चला जाएगा। आप इन प्रश्नों का उत्तर और खाली जगहों को भरो करके भेजेंगे। धन्यवाद।